हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कुछ और एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो चूज ऑफ करेक्ट आंसर का हमारे पास ये सिनेरियो है, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्टॉक लेवल्स रिलेटेड है। व्हेन ए रीऑर्डरिंग लेवल 200 यूनिट्स, मिनिमम यूजेज इज 20 यूनिट्स, मिनिमम लीड टाइम इज 5 डेज और मैक्सिमम स्टॉक इज 400 यूनिट्स, देन रीऑर्डर क्वांटिटी बिल भी। तो आपको रीऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। तो सबसे पहले इस जब आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको चारों लेवल्स ऑफ स्टॉक में आपको बता दूँ। तो मैंने एक पीपीटी तैयार किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो तो स्टॉक्स के ना चार लेवल्स होते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक डिब्बा है, ये आपके घर में राशन के लिए आटे की डिब्बी है। अब इसमें मैक्सिमम कितना डाल सकते हो, इसके ऊपर तक डाल सकते हो। कम से कम एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक होगा कि आपको एटलीस्ट इतना तो अपने यहाँ मेंटेन करना है, 2 दिन 3 दिन का राशन, ठीक है। और एक ऐसा लेवल आता है जब मम्मी आपको बोलती है कि बेटा आटा खत्म होने वाला है, तू जाके ले आ, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल, जिस लेवल पे आपको फिर से ऑर्डर दिया जाता है कि आप मार्केट से परचेज करके लाओ, डेट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। बिकॉज उन्हें भी पता है कि मैं आज बोलूंगी तो 2 दिन 3 दिन बाद ही लेके आएगा, तो इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल। और मिनिमम लेवल मीन्स मिनिमम लेवल, सबसे कम हम एटलीस्ट इतना तो अपने यहाँ राशन मेंटेन करके रखेंगे। और मैक्सिमम लेवल में इससे ज़्यादा हम मेंटेन नहीं कर सकते, हमारे पास जगह ही नहीं इससे ज़्यादा मेंटेन करने की, ठीक है। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो आप नोट डाउन कर लो। जैसे मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, यानी ये वाला लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी जितनी क्वांटिटी को आप फिर से रीऑर्डर कर रहे हो, माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। और एक होता है हमारे पास एवरेज स्टॉक लेवल, 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस मिनिमम लेवल, या फिर मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाई 2, ठीक। ये फॉर्मूला होता है। अब जो आपके क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या दिया है, हमें रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज वहाँ पे आप देख सकते हो रीऑर्डर लेवल हमें दे रखा है क्वेश्चन में, आप देखो रीऑर्डर लेवल दे रखा है, ठीक। सेकेंड रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दे रखा है, लेकिन मिनिमम यूजेज एंड मिनिमम लीड टाइम दे रखा है। ये रहा हमारे पास मिनिमम यूजेज एंड ये लीड टाइम, मैक्सिमम स्टॉक में हमें दे रखा है। यानी अगर हम इस फॉर्मूले पे जाएंगे तो हमारे पास एक ही मिसिंग फिगर है जो हम आराम से निकाल सकते हैं, और जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर भी दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो इस फॉर्मूला पे मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये हमारे पास मैक्सिमम लेवल था, ये हमारे पास 200 क्वांटिटी की रीऑर्डरिंग लेवल थी, ये हमारा रीऑर्डर लेवल था, एंड प्लस हमने रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम किया, एंड उस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, तो हमारे पास रीऑर्डर क्वांटिटी कितना गया, 300। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 300। ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है आपके साथ। पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज चार्जेबल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी डिस्कस्ड है। कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये टिम्बर इंडस्ट्री ऑलरेडी डिस्कस्ड है। कॉस्ट, ये भी डिस्कस क्वेश्चन है। इसमें से मैं देख रहा हूँ बस जो न्यू क्वेश्चन होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ये डिस्कस्ड है, मार्जिन कॉस्ट करता है। कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल एंड गिफ्ट इंक्लूडेड, ये भी आपको मैंने बता रखा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ आपको डिस्कस मिलेगा। विच ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ये भी कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मतलब मुझे तो लगता है कि हर एक एग्जाम में सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा रहा है, इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब अनसर्टेन रिपीटेड क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो, रुक्मणी लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द ईयर एंडिंग ऑन द, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, आपको उस कॉन्सेप्ट को याद करना है एंड उससे आप आराम से लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमें दे रखा है यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर स्टेटमेंट, देखो यहाँ पे फिर से हमें कॉस्ट शीट बनाना है, एंड ये क्वेश्चन भी आपने ऑलरेडी कर रखा है मेरे साथ स्टडी मैप से, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे ये भी क्वेश्चन, बट मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, कुछ चीज़ें समझा देता हूँ जिससे आपको चीज़ें करने में आसानी मिल जाए। मेरे पास क्वेश्चन में क्या रखा है, रुक्मणी लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, ये हमारे पास सारे डाटा दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
परचेज डायरेक्ट वेजेज कैरेज मशीन आवर्स वर्क मशीन आवर्स ऑफिस सेलिंग यूनिट प्रोड्यूस हमने इतना किया एंड यूनिट सोल्ड हमने इतना किया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रॉ मटेरियल कंज्यूम प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल प्रॉफिट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस है। आपको करना क्या है, पहले तो आपको कॉस्ट शीट बनाना है, कहाँ तक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आप कॉस्ट शीट बनाओगे। बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना किया 24,000 और क्वांटिटी सोल्ड किया 21,500, तो प्रॉफिट भी तो 21,500 क्वांटिटी का निकालोगे और कॉस्ट भी आपको 21,500 की चाहिए। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज आपका प्राइम कॉस्ट आ गया, उसमें आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दोगे एंड प्लस आप एडमिन का ओवरहेड आप ऐड कर दोगे, फैक्ट्री प्लस एडमिन, तो आपका क्या जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी आएगा आपका उसको टोटल कॉस्ट को क्या करोगे आप नंबर ऑफ यूनिट यानी आपके कितना 24,000 से डिवाइड कर दोगे, फिर क्या आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा आपके पास। कॉस्ट पर यूनिट को आप क्या करोगे, फिर आपको प्रॉफिट निकालना है ना, प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, कॉस्ट सेल्स को आपको यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है 21,500 × 190, तो 21,500 × 190 तो आपका सेल हो गया और कॉस्ट आपको ऑलरेडी यहाँ से आपको मालूम है, तो आप क्या करोगे 21,500 × जो भी आपका कॉस्ट आ रहा है उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा एंड टोटल प्रॉफिट भी आप इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से आप कर सकते हो। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।